जोरदार तालियां बजा करें, स्वागत करें आदरणीय दादाश्री जयंत साहब हमारे बीच में, कि ताली में इल झुकाकर सलाम करते हैं, जिरे तहजीब में उतर सलाम करते हैं, और वो सिकंदर हिल की बात पर मगरूर हुए, ये वो दर है कि सिकंदर सलाम करते हैं। जोरदार तालियां आदरणीय दादा श्री जयंत साहब। मैं हाथ से कवि हूँ, छोटी छोटी बातें करूंगा और आपसे जुड़ूंगा। सही कह रहा हूँ भाई साहब, इस दुनिया में टेंशन बहुत है, और टेंशन इतनी है सिपत जी कि आदमी क्या कर जाता है। वो एक आदमी एक वो एक सरदार जी तीसरे मंजिल पे थे और बहुत टेंशन में थे, बहुत टेंशन में तीसरी मंजिल में बैठे हुए थे। किसी ने आवाज लगाई, ओए परमिंदर तेरा बेटा गिर गया है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, तीसरी मंजिल से छलांग लगा डाला। और जैसे जैसे तालियां भी रोक के रहना, जैसे जैसे वो पहली मंजिल पर उल्टे हुए क्रम में पहली मंजिल तक पहुंचा, तब उसे ध्यान आया, अरे मेरा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह वाह वाह, टेंशन से क्या कर जाता भाई साहब, आनंद लीजिएगा। और गिरते हुए जैसे दूसरी मंजिल तक पहुंचा, तो उसे ध्यान आया कि यार मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वाह, और टेंशन की पराकाष्ठा देखना और उस पराकाष्ठा का आनंद लेना। जैसे ही वो जमीन पर टकराने वाला था, गिरने वाला था, तब उसको ध्यान आता है कि यार परमिंदर तो मेरा नाम ही नहीं है। वाह वाह वाह, सही कह रहे हो भाई साहब। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं रविंद्रनगर वाले, बहुत कविताएं हो गई, मैं ज्यादा लंबी लंबी कविताएं सुनाऊंगा नहीं। अभी हमारे उर्मिले जी पाकिस्तान को निपटा रहे थे, चाइना को निपटा रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ, हंसी आपकी अपनी है, तालियां आपकी अपनी है। जहाँ मन मन चाहे, जहाँ आपको लगे कि माल अच्छा है, वहीं पर आप ताली बजा देना। क्या है कि आप लोग रविंद्रनगर के बुद्धिजीवी श्रोता हो, कोई अर्चना पूरण सिंह तो हो नहीं जो बिना बात के ही लगे खिलखिलाने। सही कह रहा हूँ, एकदम असली बात कह रहा हूँ, एकदम ओरिजिनल स्टोरी बता रहा हूँ कि हंसी की देवी ठहाकों की महारानी, हंसी की देवी ठहाकों की महारानी, सूर्प नखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक दिन मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। वाह, मैंने कहा आप तो गजब खाती हो, और जिन बातों पर हमें आती है शर्म, उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। वाह 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 वाह, सुनना सुनना वाह बोली। अब तैयार रहना, अर्चना पूरन सिंह का जवाब क्या था कि मैंने कहा आप तो बहुत गजब खाती हो, जिन बातों पर हमें आती है शर्म, उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली, मैं अपने अंदाज को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूँ, मुस्कुराने को मिलते हैं पैसे, इसीलिए ठाके का दामन ओढ़ लेती हूँ। है वाह 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 वाह, मगर आप लोग बिना पेमेंट के मुस्कुरा रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना कठिन काम है हमारा, देखिए आप हंसे तो ठीक है, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। टेंशन का काम है भाई साहब हम लोगों का। आप देखते होंगे वो लाफ्टर चैनल, आप देखते होंगे कॉमेडी, कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस, वहाँ पर क्या होता है, एडिटिंग होती है वहाँ पर प्री मैच्योर ऑडियंस बिठाया जाता है, कई बार रिटेक होता है, तब जाकर होती है, तब जाकर के छनकर आती है हंसी। और यहाँ तो हम आपके सामने लाइव खड़े हैं, फिर आपको मुस्कुराने में क्या जाता है, क्या किसी गरीब के पेट पर लात मारने में आपको मजा आता है। वाह 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 वाह, मैं शुरू हो जाऊं, अभी शुरू नहीं हुआ हूं। अभी उर्मिले जी पाकिस्तान और चाइना को निपटा रहे थे, ऐसा नहीं है हम हाथ से कभी नहीं निपटा सकते, हम भी निपटा लेते पाकिस्तान को, मगर भाई साहब हमारा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि हम तो भाई साहब सही बता रहा हूं मैं, वो तीन देश के लोग, रुपे जी सुनना, वो तीन देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। तो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने ग्लास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और किस ग्लास को हवा में ही फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस ग्लास से एक पैक पी लेते हैं दोबारा उसे नहीं छूते। वाह, अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी ने जब ये स्टाइल किया तो वो चाइनीज को बड़ा अच्छा लगा, उसको भी कुछ नया करना था, उसने भी एक पैक पी और बियर की बोतल को हवा में उछाली और जेब से पिस्तौल निकाली और उस बोतल को फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस बियर की बोतल से एक पैक पी लेते हैं दोबारा उसे हाथ नहीं लगाते। वाह, अब बारी आई हिंदुस्तानी की, और हिंदुस्तानी ने रविंद्रनगर का ठेठ
आप सुनना एकदम जुड़ जाना। उसे भी कुछ नया करना था, उसने भी एक पैक पी, प्लेट को हवा में उछाली और जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को भूनते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ लेते हैं दोबारा नहीं बैठ पाते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान और चाइना को हम ऐसे निपटाते तो लंबी लंबी कविता लिखने की क्या जरूरत है। सही कह रहा हूं, मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूं साहब। प्रदीप मंडल जी भी आए, उनका भी स्वागत है, बैठिए। मैं सही कह रहा हूं, मैं तो कॉलेज में टीचर हूं भाई साहब। मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों कसम खाओ जीवन में, देखिए हम भी राष्ट्रभक्ति की भावना जगा सकते हैं। हास्य कभी भी राष्ट्रभक्ति की भावना जगा सकता है। बबलू सागर जी सुनना, मगर हमारे तरीके थोड़े अलग होते हैं। मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूं, मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और कहा बच्चों कसम खाओ कि जीवन में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई। उर्मिले जी, मैंने कहा आप कसम खाओ कि जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पियोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई सिगरेट भी नहीं पियेंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देखकर घूरोगे नहीं, तो सारे बच्चों ने कसम खाई जी नहीं घूरेंगे। अब मेरा काम बन गया था शिवपत जी। मैंने कहा आप कसम खाओ अगर वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे, तो सारे बच्चे बोलने लगे साफ शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ नहीं लगाना, किसी लड़की की तरफ देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, देश के लिए शहीद भी हो जाएंगे। आजकल के बच्चे सही कह रहे हो भाई साहब। मैथमेटिक्स का एक सवाल होता है, आप सबने हल किया होगा, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है, हमने भी किया था कि एक किसी खेत को तीन दिन में जोतता है, बी उसी खेत को दो दिन में जोतता है, तो ए और बी मिलकर के उसी खेत को जोतेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे। ये सवाल आपने भी हल किया होगा। तो एक दिन मेरी, तो मैं तो हिंदी का टीचर हूँ, मुझे तो एक प्रिंसिपल साहब ने मैथ के टीचर छुट्टी पर गए हुए थे, मेरी ड्यूटी लगा दी, बोले पढ़ाओ। तो मैंने जाकर कहा यही सवाल दोहराया बच्चों से। मैंने कहा बच्चों एक किसी खेत को तीन दिन में जोतता है, अब देखिए हिंदी वाले का मैथमेटिक्स देख देखिए, बी उसी खेत को दो दिन में जोतता है, अगर ए और बी मिलकर उसी खेत को जोतेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे। तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोले साहब ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, ए और बी खेत जोतता है, बाकी सी डी ई एफ तो इस क्लासरूम में मजे लेने के लिए आते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए और बी ने अब संगठन बना लिया है, अब वो खेत नहीं जोतेंगे, अब वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीत गए तो इस देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। फिर आपसे सवाल पूछेंगे कि आप ए और बी से खेत जोतवाने आते हैं पढ़ाने। वाह 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 वाह, क्या व्यंग्य, वाह वाह वाह। ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं साहब, तब कहना पड़ता है कि क्लासरूम में एक दिन मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों सहित कश्मीरी सेब का चित्र बनाओ। वाह, कि क्लासरूम में एक दिन मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों सहित कश्मीरी सेब का कोई चित्र बनाओ। मेरी तो उस वक्त मारी गई मति जब एक बालक बनाकर लाया नाशपति। मैंने कहा अरे जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा। बच्चा हाजिर जवाबी था, बोला सेब का भाव पूछकर देखो आपके अकड़ ठिकाने आ जाएगा। वाह, मैंने कहा जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा। बच्चा हाजिर जवाबी था, बोला सेब का भाव पूछ कर देखो अकल ठिकाने आ जाएगा। वैसे भी सेब है कहा, आजकल ठेले पर नाशपति सज रहे हैं, सेब का तो निकल गया जूस, पतंजलि वाले बाबा उसे लीटरों के भाव बेच रहे। वाह 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 वाह, अब सुनना, मैंने कहा सेब को भी लीटर में। अब बच्चों का जवाब सुनना, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, अगर बात आपको समझ आ जाए तो पूरा सदन तालियों से भर देना। मैंने कहा सेब और गोभी लीटर में, ये क्या माजरा है। बच्चा हाजिर जवाबी था, बोला सर जब आटा लीटरों में बिक सकता है तो सेब ने क्या अपने हाथों पर मेहंदी लगा रखी है। वाह 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 वाह, सही कह रहा हूँ भाई साहब। अभी हमारे मित्र कह रहे थे हास्य कविता, अभी प्रेम की बातें हुई, ओज की बातें हुई, हास्य कभी अगर जीवन में प्रेम करे तो क्या निकल कर आता है। एक चित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज,
ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि वाह वाह वाह। और प्यार 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 के बारे में सुना जी कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार जिस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। तुम अब जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो। वाह 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 वाह। नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, हम हंसते कभी हम तो ऐसे जबरदस्ती वाले प्रेम करते हैं, मगर ऐसा नहीं, हम भी जब कभी जवान थे बब्बू सागर जी को ऐसी इतने मस्ती आ रही है जैसे मैं उनकी आत्मकथा का चित्रण कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, ऐसे मस्ती के साथ सुनिएगा कभी सम्मेलन को, मस्ती के साथ ताकि लगे कि एक शाम कविता के नाम आप लोग यहाँ बैठे थे, आप लोगों की उपस्थिति थी। तब मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, जीवन में हमने भी सच्चा प्यार किया था, सुनना भाई साहब, जी जी सच्चा प्यार किया था ऐसे शायरों की तरह। ये नाजिया जी भी शायरी कर रही थी अभी अभी, उसी टाइप का हमने सच्चा प्यार किया था। और अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर कहा था कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल ही अंधकारमय है। सुनना सिपत जी कितना अच्छा सेंटेंस कि पूरा तुम्हारे बिना मेरा जीवन पूरा ही अंधकारमय है। अच्छा लड़की स्मार्ट थी, वो पूछ बैठी हाउ मच डार्क, अब मुझे दिखाना था कितना अंधेरा, तो मैं उसे एक बंद अंधेरे कमरे में लेकर गया जहाँ हाथ को भी हाथ ना सुझाई दे, वहाँ उसकी आंखों में पट्टी बांधी उस कमरे पर लेकर गया और वहाँ उसकी आंखों से पट्टी उतारते हुए कहा कि प्रिय इस कमरे में जितना अंधेरा है तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकार है। मुझे 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 लगा कि मेरी फीलिंग समझ गई, मगर लड़की स्मार्ट थी, बाहर आई, वो बोली जो इंसान अपने गर्लफ्रेंड को अंधेरे कमरे में ले जाकर सिर्फ अंधेरा दिखा करके वापस ले आए, उसके जीवन में उजाला कभी आई नहीं। फिर हमने जीवन में प्यार किया ही नहीं, फिर तो हमने शादी की डायरेक्ट। अब हमें क्या पता था कि लव मैरिज में आदमी अपनी प्रेमिका से शादी करता और अरेंज मैरिज में दूसरों की प्रेमिका के साथ। वाह। और शादी की पहली रात को हमने ये देखिए पूजा कमेटी के अध्यक्ष बिल्कुल गायन में बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा। शादी की पहली रात को ही हमने अपने श्रीमती जी से कहा, जैसे आप सब जानते हैं कवि के लिए क्या है जीवन में साधना आराधना, हमने अपने पत्नी से कहा, बता रहा हूँ, हमने अपने पत्नी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। इतना ही कहा था भाई साहब कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो। तालियों की स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाइए। श्रीमती जी चालू हो गई कि तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने 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 कहा यार ये प्रकाश तक तो मामला ठीक है, मगर विकास विकास तो पिछले 70 सालों से पैदा होने की कोशिश है। अब कविता तक पहुंचना, अब कविता तक पहुंचना कि विकास एक नेता जी आए, उन्होंने भाषण दिया कि हमको वोट दो तो हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई, बोले तो आप तो पिछली बार भी कह रहे थे विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। तो आप सुनना ना कि विकास कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों गोली तरह जकड़ा गया। अब सटायर तक पहुंचना, मैं हास्य के साथ व्यंग का कर रहा हूं, अब व्यंग तक पहुंचना कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों गोली तरह जकड़ा गया, ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता इसकी ड्यूटी। और तू तो अभी कल का बच्चा है, जुम्मा जुम्मा हुए चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है, अबे सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है इसलिए हमें थोड़ी जल्दी। वाह वाह। सुनना मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है इसलिए हमें भी थोड़ी जल्दी है, वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान,
मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। वाह 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 वाह। विकास ने कहा कि देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, जेब से चालान की रसीद बुक निकालते हुए बोला कि बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करें, जब तक इस देश में है भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वाह, कि जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तुझे मालूम नहीं तू मासूम है, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा, अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में दब जाएगा। वाह 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 वाह।